हेलो एवरीवन, आज का हमारे वीडियो का अपडेट है पैरामेडिकल वैकेंसी को लेकर। यह वैकेंसी हमारे मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर मेडिकल कॉलेज के द्वारा रिक्रूटमेंट जारी किया गया था। यह ऑफिशियल वेबसाइट पर 30 नवंबर 2021 को अपलोड किया गया है। आइए हम देखते हैं इस वैकेंसी में क्या खास है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हेतु सह चिकित्सकीय संपर्क भर्ती सूचना, आइए हम इसे पढ़ते हैं। संचार नाला चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 142 स्थायी अराज 2021 भोपाल दिनांक 6/10/2021 द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर की प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में सह चिकित्सीय संपर्क के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर भर्ती परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूची एमपी ऑनलाइन के माध्यम से तैयार की जानी है। इस हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। सह चिकित्सकीय संपर्क पर आवेदन का प्रारूप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। आवेदन की अंतिम तारीख इसमें डेट नहीं डाली है, रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इसकी डेट आपको www.mponline.gov.in पर जो वेबसाइट है इस पर आपको लास्ट डेट दिख जाएगी। अभी हम लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको ये सब बता देंगे, इसकी लास्ट डेट भी बताएंगे, वीडियो पूरा देखें। यह सीधी भर्ती है, पैरामेडिकल संपर्क के पदों की जानकारी देखें कौन कौन से पोस्ट हैं और किस कैटेगरी में, ठीक है। सबसे पहले हमारी ये पोस्ट है कार्डियो परफ्यूनिस्ट की, से एक पोस्ट है बिना कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी से है। सेकंड है कार्डियो थोरासिक टेक्नीशियन, दो पोस्ट है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, दो पोस्ट। सीएसटी टेक्नीशियन, 4। लैब टेक्नीशियन ब्लड बैंक के लिए 1 है और लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए 1-1 पोस्ट क्रिएट की गई है। फार्मासिस्ट के लिए 2 पोस्ट है और ईईजी टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट है, ठीक है। इस तरह से ये पोस्ट का विवरण दिया गया है। और सीधी भर्ती सह चिकित्सीय संपर्क के संविदा कर्मचारियों हेतु आरक्षित रिक्त पदों की जानकारी, यानी कि जो संविदा कर्मचारी हैं शासकीय संस्था में, जिनको 5 वर्ष तक का उनका अनुभव रहा हो, ऐसे लोगों के लिए भी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए सिर्फ ये बेनिफिट। अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता, किस पोस्ट के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। सबसे पहले है कार्डिक परफ्यूनिस्ट, इसका वेतनमान 9,300 से 34,800 प्लस 3500 ग्रेड पे। इसकी योग्यता है बीएससी बायोलॉजी एवं पीजी डिप्लोमा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, प्लस मध्य प्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवन पंजीयन प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यह है पैरामेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट, जीवन पंजीयन प्रमाण पत्र सभी वैकेंसी में लगाया जाता है, सभी वैकेंसी में यह अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जो पैरामेडिकल संपर्क की जो भर्ती है, ये जीवन पंजीयन प्रमाण पत्र सबका होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियो थोरासिक टेक्नीशियन, इसका वेतनमान 5,200 से 20,200 प्लस 2800 ग्रेड पे। इसमें 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 12वीं हो और इसका थोरेसिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा प्लस पैरामेडिकल काउंसिल का प्रमाण पत्र, पंजीयन रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, इसका 5,200 से 20,200 प्लस 2800 ग्रेड पे है। इसका 10+2 इस केमिस्ट्री बायो में हो और मान्यता प्राप्त से एनेस्थीसिया टेक्नीशियन 2 वर्ष का डिप्लोमा प्लस पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सीएसटी टेक्नीशियन, ये है लैब टेक्नीशियन एंड ब्लड बैंक एंड पैथोलॉजी, 1-1 पोस्ट है, ग्रेड पे है 5,200 से 20,200 ग्रेड पे। सैलरी जो संचालय की जो व्यापम से जो ग्रुप 5 की वैकेंसी निकाली गई थी, ये सेम है वेतनमान, लेकिन इसका जो योग्यता है ये अलग है थोड़ा। लैब टेक्नीशियन ब्लड बैंक के लिए क्या योग्यता रखी है, लैब असिस्टेंट के पद पर 5 वर्ष का कार्य अनुभव शासकीय संस्था से होना जरूरी है और मध्य प्रदेश चिकित्सकीय परिषद का द्वारा विहित योग्यता, यानी कि उसका
पंजीयन प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है। लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए भी लैब असिस्टेंट के पद पर 5 वर्ष का कार्य अनुभव शासकीय संस्था से प्लस सहज किसी परिषद द्वारा विविध योग्यता, ठीक है। फार्मासिस्ट के लिए है, ईजी टेक्नीशियन के लिए है ना, और महंगाई भत्ते अन्य भत्ते नियमानुसार मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो लागू होते हैं सब मिलेंगे, ठीक है। आरक्षण जो मध्य प्रदेश राजस्व के द्वारा आरक्षण दिया जाता है वो सब लागू होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं आवेदन शुल्क, हाँ, अनारक्षित वर्ग हेतु 1000 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति हेतु 800 रुपये एवं पिछड़ा वर्ग गैर क्रिमिलियर एवं अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 900 रुपये राशि, यह ऑनलाइन जमा होगी MP ऑनलाइन की वेबसाइट से। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है, ठीक है, और कैटेगरी के लिए 18 से 45 वर्ष है, ठीक है। तो आय की गणना 1 जनवरी 2021 के आधार पर की जाएगी। सामान्य शर्तें क्या है, उम्मीदवार को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि अदर राज्यों के इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी आप PDF पूरा इसको पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, ये सब पढ़ सकते हैं। चयन प्रक्रिया होगी, विज्ञापित पदों हेतु विज्ञप्ति पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अवगत किया जाता है। अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची MP ऑनलाइन के माध्यम से तैयार की जानी है। उक्तानुसार योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा एवं प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि MP ऑनलाइन के फॉर्म डालने के बाद इस पर आपका लिखित रिटर्न एग्जाम होगा, उसके अंकों के आधार पर आपको आपकी मेरिट सूची बनाई जाएगी एवं फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसकी लास्ट डेट हम आपको अभी बता देते हैं, इधर हम देखेंगे कि वैकेंसी की लास्ट डेट कब है, हमें किस डेट तक फॉर्म भरना है। सबसे पहले हम गूगल पर जाकर mponline.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करेंगे। ये सर्च करने के बाद हमें जो फर्स्ट पेज ओपन होता है इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम MP ऑनलाइन लिमिटेड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। सबसे पहले ही महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर ये हाईलाइट हो रहा है, ये यहाँ पर लिंक दी गई है, क्लिक हियर, क्लिक करेंगे। इसके बाद ये देखिए महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर MP, इधर हम सेवाएं पर सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद सेकंड जो है रिक्रूटमेंट फॉर पैरामेडिकल स्टाफ इन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एप्लीकेशन फॉर्म प्रारंभ तिथि है 10/12/2021 से, ये देखिए लास्ट डेट 26/12/2021 है, ठीक है। 26 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, आप 26 दिसंबर तक फॉर्म डाल सकते हैं। इसके लिए यहाँ क्लिक करना है फॉर्म डालने के लिए, ये देखिए यहीं से इसी वेबसाइट से फॉर्म आपका भरा जाएगा, ठीक है। ये देखिए पर्सनल डिटेल, ये पूरा फॉर्म आपका आ चुका है, ये फॉर्म पूरा आपको भरने के बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं। इसी तरह वीडियो पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे जो पैरामेडिकल्स के जो BMLT DMLT स्टूडेंट्स हैं उनकी जो थ्योरी क्लासेस एंड प्रैक्टिकल क्लासेस हम चैनल पर डाल रहे हैं, कृपया वीडियो को देखें, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।